कॉलोनी से ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जहां पर माँ बेटी का कंकाल में तब्दील शव मिला। एक और बेटी विचित्र अवस्था में मिली मकान से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी थी पुलिस को जानकारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर SP सिटी व CO सिटी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। वहीं CO सिटी ने बताया कि नगर के देवकाली वार्ड में आदर्श नगर कॉलोनी है, यहां एक मकान से दुर्गंध आने की सूचना प्रधान ने दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पूर्व SDM वीरेंद्र श्रीवास्तव का परिवार रहता था, जिसमें उनकी पत्नी पुष्पा व बेटी विभा का शव मिला। एक अन्य बेटी दीपा विपक्षा व समय मिली। मां बेटी की मौत कब हुई इसका कोई पता नहीं चल पाया है। इनकी एक और बेटी की मौत एक साल पहले जो हो चुकी है। SDM की मौत 1985 में हो गई थी। यहाँ उनकी परिवार रहता है। नगर के जो कोतवाली नगर क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे देवकाली चौकी के आदर्श नगर ये कॉलोनी है। यहाँ पर एक SDM का परिवार रहता था। कुछ समय पूर्व SDM साहब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से उनका परिवार यहाँ रहता था। तो आज मोहल्ले वालों ने सूचना दी कि साहब इस घर से बदबू आ रही है, और जो इस परिवार में परिवारीजन रहते थे उन लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं करीब 15-20 दिनों से। इस सूचना पर हम लोग आए यहाँ पर, गेट खोला गया। गेट खोल के उसको जैसे ही अंदर घुसने का प्रयास किया गया, देखा गया दो डेड बॉडियां पड़ी थी और वो काफ़ी डिकम्पोज पोजीशन में है। तो दोनों डेड बॉडियों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। साथ में उसी कमरे में एक और महिला लेटी हुई थी, जिनको कि बताया जा रहा है कि SDM साहब की बेटी हैं, उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, विक्षिप्त लग रही है। तो उनका भी मेडिकल करा करके विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। कहाँ के SDM है और कौन सा मोहल्ला एरिया है ये? आदर्श नगर कॉलोनी के है। पूर्व में कहीं के SDM है, उसकी जांच हम लोग कभी कर लेंगे। जो महिला आपके साथ में जिसको ले जा रहे हैं, क्या बोझ पा रही है? कैसे क्या घटना हुई? घटना नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर विक्षिप्त लग रही है, जिनका मेडिकल करा के उचित कार्रवाई की जाएगी।